अब वो जमाने चले गए जब हम गाजर को लेके घंटों तक घिसते रहते थे, उसके बाद हलवा बनाते थे। तो अब फटाफट से गाजर की हलवा बनाने की रेसिपी लेके आ गई हूँ मैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है प्रिया टॉप किचन। तो यहाँ मैंने आधे किलो गाजर को ले लिया है और अब गाजर को इस तरीके से छीलन की हेल्प से छील लेते हैं। तो देखिए फटाफट से गाजर को छील लेते हैं, सारे गाजर को छील लेंगे और ये बहुत ही जल्दी बनता है। तो आज मैं आपके साथ गाजर को कद्दूकस करके या मिक्सर ग्राइंडर में पीस के नहीं बताऊंगी, तो देखते रहिएगा आज मैं आपके साथ कैसे फटाफट से गाजर को ग्रीस करने का तरीका बताऊंगी। तो देखिए पीछे साइड से और आगे साइड से इसे कट कर देते हैं और सभी गाजर को इसी प्रकार से छील लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे मैंने 2 मिनट के अंदर ही सारे के सारे गाजर को छिल लिए हैं और इसे धोकर पोंछ लिए हैं। अब चलिए दिखाती हूँ मैं इसे कैसे कट करती हूँ। तो दोनों साइड से इसके आगे पीछे का भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये अमेजोन से चॉपर मंगवाया है, तो चॉपर में फटाफट से एकदम 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर ही सारे गाजर ग्रीस हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। तो गाजर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही फटाफट होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया है, अब इसे इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो 2 गाजर को एक साथ या 3 गाजर को एक ही साथ फटाफट से कट करके और इसे घिस सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 गाजर को एक ही के साथ एक साथ ले लिया है। अब इस तरीके से इसकी स्टैंड को लगा लेते हैं। तो आप कहीं भी ऑनलाइन आपको ये बहुत आराम से मिल जाता है, ये बहुत सुविधा वाली चीज है। अगर आपके आप हमेशा गाजर की हलवा बनाते हो, पत्ते गोभी के कुछ बनाते हो, तो इस तरीके से ले ले, आपको हमेशा ये काम आएगा। तो लीजिए यहाँ पे मैं आपको घिस के दिखा रही हूँ, देखिए आराम से करेंगे और ये आराम इजिली बहुत ही जल्दी जल्दी घिस जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी जल्दी से घिस के तैयार हो गई है। तो कम से कम 7 से 8 बार मैंने इस रस्सी को खींचा होगा और देख सकते हैं आप कितनी बारीकी से ये गाजर को घिस गई है। अब सारे गाजर को इसी प्रकार से फटाफट से घिस लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे मैंने सारे गाजर को बस 2 मिनट में ही घिस के रख दिया है। अब चलिए आज मैं आपके साथ कुकर में गाजर की हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए कुकर में बना के आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट में यह हलवा बन। तो कुकर में का पानी को सूखने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे कुकर में के जो पानी है वो पूरे सूख चुके हैं। अब लेंगे 1 टेबल स्पून घी, तो ये मैंने बड़े टेबल से स्पून से लिया है, तो आप बड़े चम्मच से ही ले। अब मैं इस घी को गर्म होने देती हूँ। अब डालेंगे इसमें सारे गाजर, तो देखते रहिएगा बस देखते ही देखते में किस तरीके से मेरे गाजर के हलवे फटाफट से बन जाते हैं। तो सारे गाजर को इसी में डाल देते हैं। तो मैंने सारे गाजर को इसी में डाल दिया है कुकर में। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए उलट पुलट कर चला लेती हूँ और चलाने के बाद इसमें 1 सीटी आने देंगे। तो सीटी आने के बाद जब कुकर में से खुद ही खुद गैस उसमें का सीटी निकल जाएगा, तब कुकर को खोल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसमें एक ढक्कन लगा देती हूँ। तो लीजिए यहाँ पे मैंने कुकर में ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसे 1 सीटी आने तक इसका वेट करती हूँ। तो लीजिए यहाँ पे 1 सीटी आ चुकी है और कुकर में से खुद ही खुद पूरी सीटी निकल चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकर ढक्कन को खोल दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप गाजर जो है अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अभी मैं आपको एक मैश करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना इजिली गल गया है, देख रहे हैं आप कितने अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि मैंने लिया है 1/2 किलो की गाजर, तो यहाँ पे मैं 1/2 किलो इसमें मिल्क ऐड करूंगी।
तो आपके पास जो भी मिल्क हो उसे ऐड करके बना सकते हैं। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि वो मलाई फुल हो, तब किसी भी मिल्क में इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते ही देखते मैं फटाफट से मेरे गाजर के हलवे बनके तैयार हो जाएंगे। तो एक उबाल आ चुकी है, अब मैं इसे मध्यम आंच में पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं जो दूध की क्वांटिटी है अब कम हो चुकी है, और इसे कलछल की हेल्प से इसी तरह से चलाते हुए मैश भी करते रहेंगे ताकि जो गाजर है वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो इसी की तरीके से कलछुल ले ले और उसे उसी से चलाए। तो देखिए यहाँ पे दूध की क्वांटिटी एकदम कम हो गई है और गाजर जो है वो अच्छी तरीके से मैश भी हो चुकी है। तो सारे गाजर देखिए कितने अच्छे से हलवे बनके तैयार हो गए हैं, और ये मुझे बनाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो लीजिए यहाँ पे मैं इसमें अब शक्कर को भी डाल दे रही हूँ। तो शक्कर आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आप मीठा कम खाते हो तो कम डालें, अगर ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डालें। अब मैं इसे चला लेती हूँ 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए गाजर के मेरे हलवे बनके एकदम फटाफट से तैयार और एकदम टेस्टी। आप इसमें अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे गर्मा गर्म से मेरे गाजर के हलवे बनके तैयार हैं। कैसे लगे आपको बताइएगा जरूर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।